सो क्वेश्चन नंबर 9 वी आर डूइंग दैट रिवर की लेंथ हमें नहीं दी हुई, विड्थ दी हुई है 40 मीटर एंड डेप्थ दी हुई है 3 मीटर. 1 मिनट में इस रिवर में से कितना पानी फ्लो होके सी में जाके गिरेगा, दिस इज द क्वेश्चन. इस चीज को भूल जाओ कि वो कह रहा है कितना पानी सी में गिरेगा, आपको पता ही होना चाहिए कि जितना पानी 1 मिनट में से पाइप में से फॉल होगा उतने पानी मरी जो है बकेट है उसमें जाएगा 1 मिनट, राइट. सो सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, हाउ मच वाटर इज फॉल इन द मिरर सॉरी रिवर इन 1 मिनट, वी विल फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट हैज बीन फ्लोन थ्रू द रिवर इन 1 मिनट. 1 मिनट में रिवर में से कितना पानी फ्लो हुआ, दिस इज आवर क्वेश्चन. ठीक है, अब जो स्पीड है वाटर की, जिस स्पीड के साथ द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द रिवर, इट इज 2 किलोमीटर पर आवर. सो आप लिखोगे वाटर लेंथ ऑफ द वाटर कह सकते हो आप, वैसे इसको हम डिस्टेंस कहते हैं, लेंथ ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन. मैं बता रही हूं, आप लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाओ दोनों. फ्लोइंग इन 1 आवर इज 2 किलोमीटर, लेंथ ऑफ द वाटर तो जो लेंथ ऑफ वाटर है दैट इज फ्लोइंग इन 1 आवर, दिस इज गिवन टू बी 2 किलोमीटर. हमारा सारा क्वेश्चन मीटर्स की टर्म में है, लेट अस कन्वर्ट दिस लेंथ ऑफ द वाटर इन मीटर, दिस इज 2000 मीटर. ध्यान से देखो जरा, 1 आवर में पानी जो है वो 200 मीटर ट्रेवल कर गया. जो आपको रिवर की ऊपर की लेंथ दिखाई देती है दैट इज द सरफेस मेड बाय द वॉटर विच इज फ्लोइंग थ्रू द रिवर. रिवर में पानी जो बह रहा है वही जो है रिवर की लेंथ को डिस्क्राइब करता है. एग्री, रिवर में जो पानी बहता जा रहा है वही उसकी रिवर की लेंथ को डिस्क्राइब करेगा. तो 1 आवर में इतना पानी जो है लेंथ जो है पानी ने कवर की है, 2000 मीटर लेंथ ऑफ द वॉटर हैज बीन कवर्ड इन 1 आवर. वी वॉन्ट आर आंसर इन मिनट्स, सो लेट अस कन्वर्ट इन मिनट्स. लेंथ ऑफ द वॉटर फ्लोइंग इन 60 मिनट, लेंथ ऑफ वॉटर फ्लोइंग इन 1 आवर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर. बैक नीचे मैंने डिस्टेंस लिख दिया फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो 1 आवर का मीन 60 मिनट, 60 मिनट में इतना पानी. तो अगर हम 1 मिनट की बात करें, हंड्रेड ओवर 3 मीटर. सो द लेंथ ऑफ द वॉटर डिस्क्राइब्ड बाय द रिवर इन 1 मिनट इज दिस. अब देखो रिवर के केस में आपके पास इसकी जो है उसने विड्थ फिक्स कर दी, विड्थ फिक्स कर दी, डेप्थ भी फिक्स कर दी. हमें सिर्फ उसकी लेंथ चाहिए थी 1 मिनट वाली, और वो कितनी आ गई, 100 बाय 3 मीटर. नाउ वी कैन फाइंड आउट द वॉटर फ्लोन थ्रू द मीना थ्रू द रिवर इन 1 मिनट. राइट डाउन नाउ, नाउ वॉटर फॉलिंग इन द सी through the river in 1 minute, falling through the sea, falling through the river in the sea in 1 minute is equal to length into breadth into height. Length हमारी आ गई 100 over 3, width is 40. सिर्फ एक चीज का आपने ध्यान रखना है
कि जब हम ये निकाल रहे हैं तो हमने जो लेंथ यूज करनी है दैट इज टू बी फाइंड आउट, 1 मिनट वाली है। लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 13.6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13.6 एक्सरसाइज, बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट वी हैव डन अर्लियर, द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट योर बुक्स। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेजल इज 132 सेंटीमीटर, हाइट इज 25, हाउ मच वॉटर इट कैन होल्ड, दिस इज दिस वी वॉन्ट टू फाइंड। यानी कि हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि एच एंड आर चाहिए। वी आर गिवन एच कितना, 25 सेंटीमीटर, एच इज 25 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, is given to be 132, and you know when we have discussed cylinder, I told you that in bottom face of the cylinder this is a circle. So if I'm asking you the circumference formula, what you will say? Base का circumference, base क्या है, circle, circle का circumference क्या होता है? So 2 pi r is 132. Replace the value of pi and get r. R comes out to be 21. Centimeter. We want to find the quantity of the water that this cylinder, whose height is 25 and radius of base is 21, can hold. Now, quantity of water hold in cylinder is equal to volume pi r square h. हाँ, hold in cylinder is equal to volume, that is equal to pi r square h. Hold in cylinder is equal to volume. बता रही, मीटर क्यूब को जब हमने लीटर्स में कन्वर्ट किया था, व्हाट वी डिड, पता है लिखा हुआ है, दिख रहा है? नहीं, मेरे को ये बताओ, जब मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट किया था तो क्या, डिवाइड बाय 1000, और जब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, डिवाइड बाय 1000 होगा यहाँ पे। ये गलत बोला, मुझे लगता है मीटर क्यूब को लीटर में मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है, ये गलत बोला, मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है मीटर क्यूब। चलिए इसको डिवाइड करो 1000 से, वन लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है। यस, इज इट ओके?
ठीक है, यही है। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन, लुक एट योर बुक्स। द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। जब हम वुडन पाइप की बात कर रहे हैं तो नेचुरली इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द होलो सिलेंडर, राइट? सो व्हाट ही सेज, वी आर गिवन द आउटर डायमीटर एंड द इनर डायमीटर। आउटर डायमीटर ही सेज इट इज 24 सेंटीमीटर, एंड द इनर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। सॉरी, नेचुरली आउटर डायमीटर बड़ा होगा। एंड लेट अस फाइंड, बच्चे सीट प्रॉपरली चटनी एंड वियर योर मास्क। तो आउटर रेडियस अगर यहां से निकालें 14, इनर रेडियस, सो आउटर एंड इनर रेडियस वी हैव फाइंड आउट। नाउ ही सेज लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। अब जब हम एक पेंसिल बाय करते हैं विदाउट इट इज नॉट शार्प, देन वी सी दैट व्हाट एवर इज द लेंथ ऑफ द वुडन पार्ट सेम इज द लेंथ ऑफ द ग्रेफाइट। तो एंड इन केस ऑफ सिलेंडर लेंथ इज रिगार्डेड एज हाइट, यू नो। तो एच यहाँ पे भी 35 रहेगा, आउटर में भी और इनर में भी। एच विल रिमेन सेम इन आउटर सिलेंडर एंड इन इनर सिलेंडर। We want to find mass of the pipe if 1 centimeter cube of the wood is having the mass 0.6 grams. So, आपको पता है physics में आपने पढ़ा हुआ है that mass निकालने के लिए volume multiply mass per unit, है ना? तो सबसे पहले हम निकालेंगे। आप लोगों को कोई problem है? दोनों को snickering smile कर ली जा रही है दोनों, both of you. इसलिए हंस रहे हो आप? इज इट ओके कि जब भी हमें किसी चीज का मास निकालना होता है वी मल्टीप्लाई द वॉल्यूम इनटू द मास पर यूनिट। इसका मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है। आपको पता है मास ऑफ द पाइप, वॉल्यूम अगर हम निकालें इस वुडन पाइप का होलो सिलेंडर के केस में जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बताओ? अगर एक पाइप है, वुडन पाइप है, नहीं नहीं मेरे को ये बताओ वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। क्योंकि जब हम पाइप्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ अगर तो वैसे हम देखें तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पाइप वॉल्यूम की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पाइप इज हैविंग, पाइप इज ओपन फ्रॉम बोथ द साइड, उसमें तो कुछ कंटेन ही नहीं हो सकता, फिर वॉल्यूम की बात क्यों होती है? वॉल्यूम की बात होती है जब, तो उसका मतलब ये होता है कि उसको बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ। अगर मैं वुडन पाइप का वॉल्यूम खोलूं तो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वुड दैट्स बीन यूज्ड टू मेक द वुडन पाइप। ठीक है, आप लिखो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड टू मेक द पाइप, इसको वी, आप इसको वी वन कहते, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज टू मेक द पाइप, लेट वी वन इज द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज टू मेक द पाइप, राइट? वी वन इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज टू मेक द पाइप। हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम, वुड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? मैंने बोला था पेंसिल में से अगर हम देखना चाहें पेंसिल में कितनी वुड लगी है तो क्या करते थे,
फैंसी में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस, यानी कि आउटर वॉल्यूम माइनस, आपसे बात की कोई, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, इसमें से कॉमन ले लो। बट हाँ जी, आपको कोई प्रॉब्लम है दोनों को? यू आर टॉकिंग टू ईच अदर, वेयर इज योर पेन, हाउ यू आर राइटिंग, हाँ, कीप योर कॉपी प्रॉपरली, वेयर इज योर बुक, पाई एच कॉमन ले लो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, एच 35, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इट विल बी 5720 सेंटीमीटर क्यूब। सो मास इज इक्वल टू 1 × mass/unit, वॉल्यूम इंटू मास पर यूनिट, एक यूनिट में मतलब एक सेंटीमीटर क्यूब का जितना मास है, पूरे वॉल्यूम को जब उस मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द मास ऑफ द होल पाइप। इसको आप यूनिटी मेथड से भी कर सकते हो, मास ऑफ 1 cm³ इज दिस, देयरफॉर मास ऑफ दिस सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, सो दिस इज, हाँ जी, 5720 into 0.6, multiply karo in grams, you will get the answer. Three four three. grams. Let us start with question number third. Third question, soft drink is available in the two packs, one is with a rectangular base and length breadth is given, another is having height and the another is having cylinder with circular base diameter and पहले मुझे ये बताओ, नवनीत से पूछ लें, पिछली बार इसने गलत किया था। दो तरह के पैक्स में सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट पैक इज हैविंग द रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5, विथ 4 एंड हाइट 15। तो ये जो पैक ऑफ कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, इसकी शेप कैसी होगी? क्यूब, क्यूबॉइड। व्हेन इट इज लेंथ ब्रेथ हाइट, इट विल बी क्यूबॉइड। और जो दूसरा हमारे पास है, आपसे किसी ने पूछा इसने क्या बोला? चुप, पूछा किसी ने? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जो ड्यूटियां मिली हुई ना, अभी कह के मैंने कैंसिल करवा दी है कि इनको ये ऐसे इनडिसिप्लिन बच्चों को ड्यूटी मिलनी है। सेकेंड जो है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर
विद बेस डायामीटर 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर. सेकेंड कंटेनर इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर एंड फर्स्ट इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड. ओके सॉरी, हाइट को कैपिटल एच कह दो क्योंकि उधर हम स्मॉल एच ले चुके हैं. वेयर योर मास प्रॉपरली. नहीं मेरे को क्या लगता है क्या नहीं मुझे मत बताओ, ठीक है? हाँ जब आप बातें करोगे मैं तभी कहूंगी. आई एम नॉट मैड कि मैं अपनी पढ़ाई मतलब पढ़ाना छोड़ के ऐसे ही आपको बोली जाऊंगी कि आप बातें कर रहे हो. शट योर माउथ नाउ, शट योर माउथ. दिस इज क्यूबॉइड एंड देन इट इज सिलेंडर. तो हमारा क्वेश्चन है दैट फाइन दैट विच कंटेनर इज ऑफ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी. आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे यू विल डू इट योर सेल्फ. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पैक L into B into H, यहाँ पे R निकाल लो, radius 3.5, and find the volume of the cylindrical pack and see that whose volume is greater and by how much. अपने आप करोगे इसको. I am moving towards question number 4. Question number 4. Lateral surface area of cylinders 94.2 and the height is 5 centimeter. We are given the lateral surface area of the cylinder and the height. फर्स्ट इज वी वॉन्ट टू फाइंड द रेडियस. लेटर सर्फेस एरिया मीन्स कर्व्ड सर्फेस एरिया. इसके नीचे फॉर्मूला लगाओ, सिलेंडर का कर्व सर्फेस एरिया इज 2πRh. एच दिया हुआ है, हाइट निकालेंगे 2 × 22/7. आर वी वॉन्ट टू फाइंड. सो आर इज इक्वल टू 94.2 × 7. डेसिमल रिमूव करें ऊपर नीचे से. ये सीधा 3 पे कट जाएगा आंसर विल बी 3. पहले मैंने जीरो स्कोर जस्ट किया, जीरो के साथ जीरो, 5 × 2 = 10. ये 2 के साथ कटा, 314 942 3 पे. सो द रेडियस कम्स आउट टू बी 3 सेंटीमीटर. यूजिंग लेटरल सरफेस एरिया यू हैव फाइंड आउट द रेडियस. Now we want to find its volume. Write down. Volume is equal to pi r square h. Solve it and you'll get the answer. देख लिया था टाइम आपने.